हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने बहुत सिंपल वे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जिसको भी नहीं समझेगा वो उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ जनरली मेरे वीडियोज़ में। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर लिया तो आपको जो है कुछ समझेगा नहीं, आपके पॉइंट जो है मिस आउट हो जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट का पहले हम मीनिंग समझते हैं, देन उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये प्राइम लेंडिंग रेट होता क्यों है, उसको बैंक क्यों यूज करती है, कौन से कस्टमर को ये फैसिलिटी मिलती है। तो प्राइम लेंडिंग रेट इज एन इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक गिव लोन्स एंड एडवांसेस टू द सर्टन स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर। मतलब ये एक ऐसी इंटरेस्ट रेट होती है जहां पर बैंक कुछ गिने चुने कस्टमर्स को जो है लोन्स देती है, वो भी कम रेट में। समझो बाकी को अगर 10% में दे रही है बैंक, तो उन लोग को 9% में देगी। तो ऐसे गिने चुने कस्टमर को जो है लोन बैंक जो है कम रेट पे देती है। अब ये गिने चुने कस्टमर होते कौन है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए है, ये जो है इनका जो है बैंक ऑफ बड़ौड़ा में अकाउंट है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौड़ा में, ठीक है। अब ये क्या ना, मिस्टर ए बैंक ऑफ बड़ौड़ा के बहुत वैल्यूबल कस्टमर है। लाइक इन्होंने भी 50 लाख का लोन लिया था, ठीक है, 50 लाख का लोन लिया था, तो इन्होंने टाइम पे रीपेमेंट कर दिया। फिर 20 लाख का लोन लिया था, वो भी टाइम पे रीपेमेंट कर दिया। और फिर उनका जो है मिस्टर ए का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट में हमेशा 5 से 5 to 6 करोड़ इसके अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन होता है। तो बैंक का उनके साथ अच्छा रिलेशन आ गया, क्योंकि ये जो है उन्होंने कभी भी लोन कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो इसके लिए बैंक जो है बैंक के ये जो है स्पेशल कस्टमर बन गए। यही जो है सर्टन टाइप के स्पेशल कस्टमर हो गए मिस्टर ए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पेशल कस्टमर बन गए, ठीक है, क्योंकि बैंक के साथ इनका अच्छा रिलेशन है और ये कभी कोई लोन डिफॉल्ट नहीं करे, तो बैंक भी उनको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, कि बिकॉज उनकी वजह से जो है उनकी बैंक का प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये इनके अकाउंट में 5 to 6 करोड़ का जो है एवरेज बैलेंस रहता है हमेशा, और ये लोन जो है टाइम टू टाइम रिपेमेंट करे, तो इससे बैंक को इनकम हो रही है, तो बैंक जो है इनका भी ख्याल रखता है। तो फिर मिस्टर ए को जो जब भी बैंक लोन देती है ना, समझिए बाकी को जो है 10% पे देगी, तो मिस्टर ए को 9% पे दे देगी, 8% पे दे देगी। तो ऐसे मिस्टर ए के जितने बहुत कस्टमर होते हैं बैंकों के पास में। तो अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये लोग बैंक को जो है इन लोग को कस्टमर को कम रेट पे इंटरेस्ट पे जो है लोन तो दे देती है, बट बैंक को लॉस तो होता होगा ना, ये लॉस कहाँ से रिकवर करेगी। तो ये लॉस जो है बैंक जो रिकवर करती है जनरल पब्लिक से, क्या करती है जनरल पब्लिक से जो है बैंक जो उनको लोन देती है उनसे जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। बट ये बात तो अच्छी नहीं है ना, वो एक कस्टमर है उनको तो कम रेट पे जो इंटरेस्ट दे रही है, और दूसरे कस्टमर से ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट ले रही है, तो फिर ये तो फेयर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक कस्टमर का तो लॉस हो रहा है। तो ये सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए RBI पिक्चर में आई और उन्होंने एक बेस रेट सेट किया। RBI ने बेस रेट सेट किया 2010 में, ठीक है, तो 2010 में फिर एक बेस रेट आ गया। तो फिर इस बेस रेट के तहत RBI ने एक प्रॉपर बेस रेट सेट किया कि ये पर्टिकुलर रेट के नीचे कोई भी बैंक किसी भी टाइप के कस्टमर को लोन नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो है सभी बैंकों के लिए जो है ये बेस रेट सेट कर दिया, तो सब बैंकों को ये जो है बेस रेट फॉलो करना पड़ा, और उसमें जो है बैंक जो है कोई भी इस इंटरेस्ट रेट को जो है अनफॉलो नहीं कर सकता, उनको ये रूल्स फॉलो करना है, और सब कस्टमर जितने भी कस्टमर हैं उनको इस बेस रेट के अकॉर्डिंग लोन देना है। बिकॉज ये तो अच्छी बात नहीं है, एक से हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं एक से कम कमा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं थी। इसके लिए RBI ने ये पॉलिसी निकाली 2010 में। तो इसके तहत जो है सभी को ये बेस रेट के तहत लोन देना पड़ा। बट इसमें एक दो केस एक्सेप्शनल में भी आते हैं, लाइक अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो
और अगर आप फार्मर हो तो आपको जो है ये आपको बेस रेट के नीचे भी लोन मिल सकता है। तो इसमें याद रखिएगा ये दो सर्टेन स्पेशल केस है, फार्मर एंड बैंकिंग एम्प्लॉय, तो इनको जो है बेस रेट के नीचे भी हम लोन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको बेस रेट फॉलो करना पड़े। तो ये थी प्राइम लेंडिंग रेट जो मुझे लगा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसके लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना और ये घंटी के निशान को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।